वेलकम टू एनिमिक डिजाइन। मैं आपका टीचर राहुल, और आज आफ्टर इफेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो आफ्टर इफेक्ट क्यों इंडस्ट्री में यूज होता है, उसका पर्पस क्या है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आफ्टर इफेक्ट का मेन पर्पस। मोशन ग्राफिक। मोशन ग्राफिक में टेक्स्ट एनिमेशन रहेगा, या आप एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हो। आप एनिमेटेड सीन्स क्रिएट कर सकते हो, या आप कोई लोगो क्रिएट करते हो तो उस लोगो का हम मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हो। मोशन ग्राफिक बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सीखने वाले हो। सेकंड, कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग में दो से लेकर मल्टीपल इमेजेस या कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप रहेगा, उनको जोड़कर आप एक सीन में कन्वर्ट करते हो, उसे हम कहेंगे कंपोजिटिंग। फॉर एग्जांपल, स्पाइडरमैन हवा में उड़ रहा है या किसी बिल्डिंग पर लटका हुआ है। एक्चुअल में स्पाइडरमैन ग्रीन स्क्रीन के आगे स्टूडियो में होता है, बाद में ग्रीन स्क्रीन को हटा के उसके जगह पर बिल्डिंग्स या स्काई को ऐड किया जाता है। आप आर्किटेक्चरल का वर्क कर रहे हो तो आप इसमें वॉक थ्रूज का एडिटिंग भी कर सकते हो। स्क्रीन पर आप देख रहे हो स्टूडियो में सुपरमैन को वायर लगाकर लटका दिया है और कुछ आदमी उसके ऊपर हवा मार रहे हैं। इसका फाइनल आउटपुट हमें ये देखने को मिलता है। इनको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया है और कंपोजिटिंग के बाद फाइनल आउटपुट आप देख सकते हो, या आप इन्हें ही देख लो, बोतल को हटा के नन्हे बच्चों को चिपका दिया। तो आपको समझ में आया होगा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।